दोस्तों आज हम आए हैं माँ कोंटा पावसिनी टेम्पल में। आप लोग देख ही पा रहे होंगे। ओके, आज माँ कोंटा पावसिनी के दर्शन करेंगे दोस्तों और सारे के सारे मंदिर आपको विजिट कराएंगे। ओके, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहना दोस्तों। मुझे लगता है कि हर वीडियो की तरह इस वीडियो में काफ़ी कुछ देखने के लिए और सीखने के लिए मिलेगा। ओके दोस्तों, तो चलिए हम अभी एंट्री करते हैं। दोस्तों हम मंदिर एंट्री कर लिए हैं। ओके, अभी माँ का पीठ की स्थान की ओर जा रहे हैं, तो जाने के बाद देखेंगे दोस्तों। आप लोग सोचते होंगे कि अंदर बहुत ही बड़ा मंदिर हुआ होगा, वहाँ पे माँ बैठे होंगे, ऐसे सोचते होंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे ना पूरा खाली जगह पे ही बैठे हैं और अर्चना पाते हैं माँ। ओके, देखिए कितना बड़ा जंगल है, पूरा बांस की काटा ही है, देखिए अमेजन जंगल की तरह ही है दोस्तों। ओके, मतलब पूरा अंदर है, आप लोग देख ही पा रहे होंगे अंदर में, जैसे कि पूरा अंदर अंदर है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है, मतलब इतना घंटा जंगल हुआ है। ओके, तो देखिए बहुत सारे धागा भी बांधा गया है और हम फाइनली आकर पहुंच चुके हैं दोस्तों। और देखिए दिया जला रहे हैं। ओके, अभी दर्शन करेंगे और आपको पूरा मंदिर विजिट कराएंगे। ओके दोस्तों, तो चलो थोड़ा दर्शन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये होता है माँ कोंटा पावसिनी का प्रमुख पीठ। ओके, और आगे भी देखिए कितने सारे धागा बांधा गया है, मतलब चूड़ी के साथ, और वहाँ पे पूजा चल रही है और यहाँ पे सब दिया जलाया जाता है। ओके, तो देखिए दोस्तों पूरा चारों की ओर मैं घुमा के दिखाता हूँ आप लोगों को पूरा मंदिर। देखिए कुछ इस तरीके से है, और अंदर कोई ना ही मंदिर है, ना ही कुछ घर वगैरह है, कुछ नहीं है दोस्तों। ये एक इंटर रोड है। ओके, मतलब हम जिस रोड से आए थे उसी रोड नहीं, बल्कि एक इंटर रोड है, बाहर की ओर निकलेंगे तो हम जाकर निकलेंगे। देखिए दोस्तों कितना बड़ा घंटा जंगल, और हम निकल गए फाइनली। अभी आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों, यहाँ पे अगर कोई ज़्यादा समय ठहरना है, रहना है, तो यहाँ पे गाड़ी वगैरह पार्किंग करके रहते हैं। ओके, और देखिए एक छोटा सा बंद है, जैसे कि यहाँ पे जो होता है ना, और ये सब पिकनिक वगैरह करते हैं दोस्तों, कोई अगर आएगा तो। देखिए कितना बड़ा बड़ा पेड़ है, है ना, विशाल पेड़ है दोस्तों, बहुत सारे, काफ़ी एरिया में फैला हुआ है ये भी। जैसे कि ये पूरा देखिए, पूरा कितना बड़ा जंगल है। तो ये इस मंदिर का पिकनिक प्लेस है दोस्तों, और कितने सारे लोग पिकनिक भी किए हैं यहाँ पे। जितने भी मंदिर में लोग आएंगे, कुछ अगर मानसिक किए होंगे तो वो सब चीज़ें लेकर आएंगे, या फिर जो पिकनिक करने वाला है तो यहाँ पे आकर रांध के खाएंगे दोस्तों, एक पिकनिक स्पॉट की तरह ही है। ओके, तो देखिए कितना बढ़िया है। तो दोस्तों ये रहा आज जैसे कि बांस का रानी, माँ कोंटा पावसिनी का मंदिर। ओके, तो मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों आप लोग भी हमारे साथ साथ घूम लिए होंगे, माँ कोंटा पावसिनी का मंदिर पूरा विजिट कर लिए होंगे। तो मंदिर के बारे में क्या ही बताऊँ दोस्तों, पूरा नेचुरल है, और जो भी आप मनाओगे ना, पूरा मनस्कामना पूर्ण होता है। ओके, तो इससे पहले आप लोगों में से कितने लोग आए हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और अगर नहीं आए हो तो आपका लाइफ में कभी ना कभी एक बार ज़रूर घूमने के लिए आना दोस्तों, अगर टाइम मिले तो, क्योंकि दिन प्रतिदिन यहाँ पे बहुत काफ़ी सारे लोग आते रहते हैं, और मैं चाहता हूँ कि उन लोगों में से आप भी हो। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड अप करेंगे, तब तक के लिए आप लोग बढ़िया रहेगा, मस्त रहेगा। नमस्कार, वंदे मातरम।